और अप्रैल मंथ में कौन कौन से सब्जियों के सीड्स लगा सकते हैं और कौन सी हम फिलोवर के लगा सकते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और देखिए, अगर हमें केमिकल सब्जियों से बाजार वाली बचना है तो हम ये ऑर्गेनिक सब्जियों के इस समय लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, गिरी लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है तो ये सीड्स लगाने के ऊपर है। और जो हमने सीड्स विंटर का जो लगाए थे तो वो सीजन की तो विंटर की तो ख़त्म हो गई, लेकिन गर्मियों में हम मार्च में लगाई कुछ और अप्रैल में हम मई से पहले कौन कौन सी सब्जी के और फूल के प्लांट मतलब बीज लगा सकते हैं सीड्स, तो उसी पर है। और मैं आज आपको ले चलती हूँ बीज भंडार, जहाँ पे गार्डन का हर सामान मिलता है। तो मैं आज आपको वहाँ भी दिखाने वाली हूँ, और पहले मैं अपना कलेक्शन जो मैं लेके आई हूँ सीड्स का, तो वो दिखाने वाली हूँ कौन कौन सी हम सीड्स लगा सकते हैं सब्जी के और फूलों के। और देखिए, हमें सब्जी और फूल काफ़ी सारे चाहिए, तो देखिए हम प्लांट अगर खरीदने जाते हैं तो हमें बहुत महंगे पड़ते हैं, बट हम अगर 20-25 रुपए का अगर हम ले आते हैं सीड्स का, तो वो काफ़ी सारे उसमें हमारे सीड्स होते हैं और काफ़ी सारे हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो आज इसी पे है, और चाहे आप ग्राउंड में लगाओ, चाहे आप गमले में लगाओ, जिसमें भी आप लगाओ। और आइए पहले मैं आपको अपनी सीड्स दिखाती हूँ, मैं कौन कौन से सीड्स लगाने वाली हूँ और कौन कौन से सीड में लाई हूँ सब्जी के और फल। प्लीज़ एक छोटा सा काम ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नहीं हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैं जो सीड्स लाई हूँ अच्छी क्वालिटी के लाई हूँ। और ये देखिए, मैं पहले आपको सब्जी के दिखाती हूँ, मैं सब्जी के कौन कौन से लाई। ये देखिए भिंडी, हम ये वाले भिंडी के हैं, ये अर्थ गो वाले। ये देखिए, ये हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड है इसमें, और काफ़ी सारे हैं। और ये चाहे ग्राउंड में लगाओ और चाहे गमलों में, बड़े बड़े हम जो है लगा सकते हैं ग्रो बैग में। तो ये काफ़ी सारे सीड्स हैं इसमें, और इसको लगा सकते हैं, और ये गर्मी और रेनी सीजन तक हमारी सब्जियां देंगे। और एक ये भी इको केयर वाले हैं, ये भी हाइब्रिड है। तो ये देखिए तोरी के हैं, तोरी के नहीं सॉरी, ये देखिए ये स्क्वाइड के हैं, इनको कुछ नाम भी बोलते हैं, इनका हरा कद्दू कहते हैं, हम तो जुगनू कहते हैं इनको। तो देखिए, एक मैं ये लेके आई हूँ, और एक ये मैं कोचिया का लाई हूँ, क्योंकि ये काफ़ी समर में काफ़ी ग्रीनरी देता है, और ये ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। तो इसमें बहुत सारे सीड्स हैं, तो इसको लगा लेंगे तो काफ़ी सारे हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, इसमें ये मैं जीनिया का लाई हूँ, तो जीनिया का भी इसमें ये कई सारे कलर हैं, मिक्स हैं। तो ये भी, ये देखिए प्रीमियम क्वालिटी के हैं, तो ये भी बहुत अच्छे हैं, तो इसको भी लाई हूँ। और मैं रेट भी बताऊँगी कितने कितने के लेके आई हूँ। ये देखिए बालसम है, ये भी कई सारे कलर हैं, मिक्स है, और ये भी प्रीमियम क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी अच्छी है। और एक मैं ये तोरी का लाई हूँ, ये इको केयर वाले ही हैं, सारे हाईब्रिड हैं, ये छोटे पे ही आ जाते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं फैलता, तो ये छोटे पे ही आ जाते हैं। और ये देखिए, ये फूलों की और सब्जियों की अगर हम सीडिंग लगा लेंगे तो ये बहुत तेज़ी से इस महीने अप्रैल में बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं और बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हैं, ये हाइब्रिड वाले होते हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। और मैं जितने भी ये सीड्स लाई हूँ, ये मैं सब शाम को लगाने वाली हूँ, और अपनी सोयल में जो मैं सोयल बनाती हूँ, और ये फूल के भी सब शाम को लगाऊँगी। और फिर आपको लगाने के बाद ये थोड़े थोड़े जब ग्रो हो जाएंगे, मैं तब आपको इनको इनकी सीडलिंग दिखाऊंगी बाद में। और आज देखिए, मैं अंकुर ये बीज वाले सीड्स भंडार वाले पे आई हूँ, और यहाँ से कुछ सीड्स भी लेने हैं मुझे, और कुछ मुझे फूलों के सीड्स, कुछ सब्जियों के सीड्स लेने हैं। और यहाँ पर ये हॉस्पिटल के, सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, ये है लाइन, ये देखिए रोड है यहाँ पे, तो इसी के नज़दीक है गली में। और यहाँ पर ये सारे ही हैं, सीड्स भी मिलेंगे आपको, पूरा गार्डन संबंधित सब, ये देखिए बॉटल भी, और हर तरह का सामान। ये देखिए, मैं एक बार कैमरा आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पर ये सारा टोटल सामान आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए वीडियो में आपको सब दिख रहा होगा, तो ये ऋषिकेश में है और सरकारी हॉस्पिटल के नज़दीक है, और यहाँ पे पास में ही ये राजकीय इंटर कॉलेज है, सरकारी लड़कियों का, गर्ल्स का, तो यहाँ पर गली में है, ये छोटी सी पास में है बिल्कुल एकदम।
तो मैं भी यहाँ पर ये देखिए कुछ सीड्स लेने आई हूँ, ये इतने सारे लौकी तोरी ये सब कद्दू वगैरह और इतने, और मैं आपको दिखाती हूँ देखो सनफ्लावर में भी कितनी सारी वैरायटी होती है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये तो जीनिया में भी कितनी सारी वैरायटी होती है, और ये जीनिया की वैरायटी दिखाती हूँ मैं, कलर भी बहुत सारे हैं इसमें, ये देखिए मिक्स है और इसमें ये देखिए क्वालिटी भी अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी सीड्स हैं। तो ये देखिए जीनिया के ये डबल मिक्स वाले हैं ये, और ये अलग है, ये बड़ा है, ये देखिए जीनिया डबल पिंक बड़ा है ये। और यहाँ पर ये देखिए ये जीनिया की कुछ ये पर्पल, ये देखिए पर्पल है, तो जीनिया की ये बहुत सुंदर वैरायटी के हैं यहाँ पे, पीवीसी लिखा है इसमें तो। और ये वाइट कलर का है, ये देखिए बहुत, ये भी डबल वाइट कलर का है जीनिया, बड़े बड़े मोटे फूल जो आते हैं, और ये मिक्स है, ये छोटे छोटे होंगे शायद, नहीं ये भी डबल है, बड़े वाले ही हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये सन फ्लावर का भी कई सारे हैं, ये देखिए इसमें, और ये टॉल सन गोल्ड है, और यहाँ पर ये टॉल, ये भी सन फ्लावर है, बड़े बड़े जो होते हैं। और यहाँ पर ये सिंगल मिनिएचर वैरायटी में जो होता है ये वो है, और यहाँ पर ये देखिए ये भी टॉल है, तो इसमें सनफ्लावर में भी ये देखिए कितनी सारी वैरायटी हैं इसमें, और कोचिया भी है, और रेट भी इनके कुछ लगभग एक जैसे ही है, 25 और 20 की रेंज में है, कुछ 40 की भी हैं। तो ये देखिए ये कोचिया के हैं, ये वाल्सम के हैं, ये भी डबल मिक्स्ड है ये देखिए, और यहाँ पर ये है भैया इसको क्या बता रहे थे हम, इसका नाम जुगनी है, ये जुगनी है, लंबा कद्दू, हाँ कद्दू है, ये हरा कद्दू होता है, तो ये तो बहुत स्वादिष्ट होता है। और ये तोरी है लंबी लंबी पतली सी, तो सब्जियों के भी बहुत सारे हैं इससे में लगा सकते हैं भैया, कौन कौन से लगा सकते हैं सब्जियों के, सब्जी वाले ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखिए ये भिंडी है, और कितनी सारी सब्जियों के सीड्स लगा सकते हैं, भिंडी, बीन, लंबी लौकी, गोल लौकी, प्लेन लौकी, धारीदार लौकी, लौकी भी बहुत तरह की, करेला, खीरा, चिचिंडा, गोल कद्दू और लंबा कद्दू, ये सब बहुत सारे हैं, टमाटर हरा काला सफ़ेद और बैंगन, और ये हरी मिर्च, शिमला मिर्च और सभी हैं यहाँ पे, देखो पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, कितनी सारी ये देखिए लिस्ट है पूरी यहाँ पे, चुलाई हरी, तो इतनी सारी हम सब्जियाँ अभी भी लगा सकते हैं अप्रैल के महीने में। और ये देखिए कितनी सारी, ये धनिया का 20 रुपये का, और ये कद्दू हरा जुगनी है, ये भी 20 का, भिंडी का नहीं, और ये वाला तोरी का ये भी 20 का है, और ये फूल का ये वाला ये 25 के हैं सारे। अच्छा ठीक, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।